बोल। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग जैसे चैंटिंग किया, रीडिंग किया, हियरिंग किया, पता है इसलिए करते हैं, और ठाकुर को भोग लगाया, पता है इसलिए करना चाहिए, करते हैं। लेकिन हाँ, उनको पाना है, ये फीलिंग को हम कैसे जागृत करें? रीडिंग, प्रेम हियरिंग, चाहे प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम कैसे लाए? वही तो जीवन का पर्पज है पूरा। दिन का एक नहीं, घंटे का बट एक समय हाउ निकालना है, हाउ हाउ वी ट्राई टू कल्टिवेट प्रेम दैट। निर्माण करना है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि कुछ देना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, कुछ हृदय की बातें करनी चाहिए, कुछ भोजन देना चाहिए, कुछ भोजन लेना चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ये एक प्रेम निर्माण करने के 6 तरीके बताए हैं। और दिन रात जिसका हम चिंतन करते हैं उससे ही प्रेम होता है, और प्रेम जिस पर होता है उसका ही दिन रात चिंतन होता है। पहले हम थियोरेटिकली अपने आप को ये बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो हर रोज करेंगे ना तो वो उसका प्रूफ है कि ये वास्तव में इनको ये चाहिए। फिर वो धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं। भगवान भी कैसे है, देख रहे हैं, चलो आपका कितना परसेंट मन जो है परिवार में लगा है, कितना परसेंट धन में लगा हुआ है, कितना परसेंट इसमें उसमें लगा हुआ है, और कितना परसेंट मुझ में लगा हुआ है। तो जितना परसेंट मुझ में लगा हुआ है उतना रिस्पॉन्स देंगे, बाकी का कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, है ना, शुभेच्छाएं मेरी आपको। तो करना सब हमको ही है, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम शुरुआत में प्रेम नहीं है निश्चित रूप से, तो थियोरेटिकली कम से कम ये विचार पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक उनकी याद करनी है कि मैं आपको चाहती हूँ, मैं आप तक पहुंचना चाहती हूँ, मुझे भौतिक जीवन में भी बार बार नहीं आना है, आपके पास ही आना है, आपका चरण मैं हमेशा भजना चाहती हूँ। ये दिन भर बोलना पड़ेगा ना। अभी जिस पर प्रेम हम करते हैं, जो कोई लड़के का लड़के पर प्रेम है तो सुबह को विचार करेगी, दोपहर में विचार करेगी, शाम को विचार करेगी, अगर उसकी कोई प्रिय वस्तु लंच में आएगी तो बोलेगी अरे कितना अच्छा होता अगर मैं ये उसको ले जाती और देती उसको, है ना। कोई गाना सुनाई पड़ा अरे वो उसको कितना अच्छा लगता है, यानी हर घटना की और वस्तु की कनेक्शन उस व्यक्ति से करते हैं जिससे प्रेम करते हैं। और ये भौतिक विश्व में हम सबने अनुभव किया है, जब विवाह होने वाला था कैसे दिन रात उसके बारे में विचार करते थे हम लोग। वैसे ही जब विचारधारा हमारी भगवान के विषय में होगी तो प्रेम होगा। हरे कृष्णा, प्रयास करना है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं लेकिन प्रयास जरूर करना है, ठीक है। और किसी का कोई हरे प्रश्न है? कौन कृष्ण गुरु जी, प्रणत प्रणाम गुरु बोल रहे हैं? जी। हाँ मैं शिफाली वन बोल रही हूँ गुरु वन सेकेंड। हाँ यस माता जी बोलिए। जी। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि एक माँ के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अपने बच्चों से डिटैच होना। तो चाहे हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बट फिर भी चेतना बच्चे में रहती है, तो उस स्थिति से कैसे उठें? तो उस जो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे माँ का अपने बालक के प्रेम, पति प्रेम, पत्नी का पति के प्रति प्रेम, और पति का पत्नी के प्रति प्रेम, और सब लोगों का धन के प्रति प्रेम ये कभी मुश्किल है बहुत। लेकिन इसके लिए आचार्य गण बताते हैं कि उस प्रेम को हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है। जैसे बालक में आसक्ति है तो उसे भक्त बनाने का प्रयास करना है, भक्ति के संस्कार देने हैं, भक्ति वाले स्थानों पे लेके जाना है, भक्ति वाले गाने सिखाने हैं, भगवान का दर्शन कराना है। तो क्या होगा कि आपकी हमारी जो आसक्ति वाली संबंध है, हमारे आसक्ति वाले जो नाते हैं, वो हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। हाँ ये मेरा परिवार, मानस देहो गेहो जो कुछ मोर, अर्पुलिन अर्पिलुन तुवा पदे नंद किशोर, जो भी मेरा है, जो मैं समझती हूँ मेरा है, ये सब मैं आपको ही अर्पण कर रही हूँ, ये सब आपके चरणों में समर्पित है, ये बालक, ये पति, ये पत्नी, ये धन दौलत, ये गृहस्थी, ये सब आपकी है, आपके लिए ही कर रही हूँ, इस भावना से करना है। बालक को खिला रहे हैं तो भक्त बनाने के लिए खिला रही हूँ, नहला रही हूँ तो वो भक्त बने इसलिए प्रेम दे रही हूँ, संस्कार दे रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ, बाकी सारे विचार कर रही हूँ, बस उसे आपके चरणों में समर्पित करना है। इस प्रकार से हर संबंधों को, हर रिश्ते को, हर नाते को हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। इसीलिए साधना बहुत अच्छी करना जरूरी है, क्योंकि साधना के माध्यम से जब प्रेम, कृष्ण से प्रेम होगा, आसक्ति होगी, तो धीरे धीरे वो प्रेम जो है वो हमारे हर रिश्ते में, हर नाते में प्रकट होगा।
जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज पर बहुत आसक्ति है, तो आप देखेंगे समझो लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है, तो फिर वो शादी में जाएगा तो भी वो पॉलिसी की बात करेगा, जो रास्ते में मिलेगा तो बात करेगा, बस स्टॉप पे खड़ा है तो भी बात करेगा, ट्रेन में सफर कर रहा है तो भी सहप्रवासी से वही पॉलिसी की बात करेगा, क्योंकि उसके मन में छा गया है वो पूरा LIC का बिजनेस, इंश्योरेंस का। उसी प्रकार से हमारे मन में कृष्ण के विचार विषय में ऐसा विचार छा जाना चाहिए कि पति पत्नी बच्चे धन दौलत गृहस्थी सब में उन्हीं का विचार चलना चाहिए, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए समर्पित है, इस भावना से हमको चलना है। ठीक है, हरे थैंक यू कृष्ण, दीदी। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।